विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आपका प्रभातखबर.com में स्वागत है। हमारी खास पेशकश में देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन के दौरान लोगों का नजरिया बदला है। डॉक्टर, सफाई कर्मी, अन्य सेवा करने वालों के अलावा हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है। मन की बात में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती ने कोरोना के खिलाफ एकजुटता की भावना को जन्म दिया। इस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली। हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। हमारे किसान भाई बहन महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन का रेलवे सब्सिडी छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाने, ऐसी अनगिनत बातें हैं। इन सारी बातों से पता चलता है कि हम सबको एक मन, एक मजबूत धागे में पिरो दिया है, एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी है। देश की राजधानी दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत 44 स्टाफ कोरोना संक्रमित मिले हैं। अस्पताल दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थित है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जिन अस्पतालों में स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं उसको लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी लोगों को घर में रहकर ही जंग जीतनी है। उन्होंने कहा कि घर में रहकर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें और ईश्वर से प्रार्थना करें। बताया कि संघ ने 30 जून तक सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। इसको लेकर राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है। सीएम ने कहा कि वो प्रवासी मजदूरों को विश्वास दिलाते हैं कि केंद्र से बात की जा रही है, जो भी संभव होगा उसे जल्द किया जाएगा। एक बात निश्चित है कि ट्रेनें शुरू नहीं हो रही, क्योंकि हम भीड़ नहीं चाहते, नहीं तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी, साथ ही कहा कि इस काम के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर किया जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग को कोरोना से लड़ने में अहम बताया। बिहार के कई हिस्सों में रविवार को हुई बारिश के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सारण, जमुई और भोजपुर में आसमान से आफत की बारिश हुई। वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही। देश में कोरोना का संक्रमण जारी है। इसी बीच तबलीगी जमात के कई लोग भी संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि सोमवार को मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बाला ने कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। विद्या बाला ने वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करके इसकी जानकारी दी। वो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए 1000 PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट्स दान कर रही हैं। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।